हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ मैजेस्टिक। आज हम करेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 2.1। इसका एक पार्ट हम पहले कर चुके हैं, आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। उसमें हमने लगभग 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो इसी एक्सरसाइज के आगे के क्वेश्चंस हम आज डिस्कस करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.1 इक्वेशंस सॉल्वेबल फॉर पी, जिसमें हमने डिस्कस किया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो देखिए, ताकि क्वेश्चंस का पैटर्न आपको समझ में आए, क्योंकि इजी पैटर्न से हार्ड की तरफ हम जा रहे हैं। तो आज जो हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो क्वाइट लेंथी भी हैं और थोड़ा से ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 11 इज एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स पी स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई इंटू पी प्लस वाई स्क्वेयर माइनस एक्स वाई इक्वल टू ज़ीरो। देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये देखने में तो आपको हो सकता है सिंपल सा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन वन बाय वन जब हम इसके स्टेप्स सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी पड़ती है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम भी आई है ये। तो देखिए, पी यहाँ पर एक्स, ये आपकी स्टेटमेंट है। यहाँ पर हमें करना क्या होता है, एक बार मैं फिर से जल्दी से रिकैप बता देती हूँ आपको। हमें लेफ़्ट साइड पर जो भी सब टर्म्स को लेफ्ट पर लाना होता है, और उसके बाद पी में लीनियर फैक्टर्स बनाने होते हैं, और वन बाय वन सबको इक्वेट करना है ज़ीरो से, और पी को डीवाई बाय डी एक्स से रिप्लेस करके इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और लास्ट में जनरल सॉल्यूशन जो आता है वो हमारा जितने भी सॉल्यूशंस हमने फाइंड आउट किए हैं उन सबका प्रोडक्ट होता है। तो देखिए, अब यहाँ पर पी स्क्वेयर पी ये टर्म्स हैं, डेट मीन्स ये क्वाड्रेटिक है पी के अंदर। अब इसके फैक्टर्स तो ऐसी टर्म्स के बन नहीं सकते, तो हम डायरेक्टली डिस्क्रिमिनेंट रूल से इस पी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट रूल हमारा क्या होता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जब आपकी इक्वेशन इस टाइप की होती है, तो हमारा डिस्क्रिमिनेंट रूल क्या कहता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। सो यही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो पी की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये है ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी हेयर। तो माइनस बी, डैट मीन्स बी आपका जो भी है, ये आप ऊपर स्टेटमेंट से देख लें, ये बी है, प्लस माइनस बी का स्क्वायर, इस टर्म का स्क्वायर। माइनस फोर ए सी, ए है आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स एंड सी है वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाय टू ए। तो देखिए, टू ए है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब देखिए, इसका हमें क्या सॉल्यूशन करना है। अब फोर टर्म्स हैं और उनका स्क्वायर है, तो चाहो तो आप बायनोमियल से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो स्क्वायर टर्म तो हम डायरेक्ट भी खोल सकते हैं, बहुत ही इजीली खुल जाती है। तो देखिए, कैसे खोलेंगे हम इसको, पी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर। बस यही एक इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन को स्टूडेंट्स को आ जाती है, क्योंकि मैं पिछले बहुत सालों से ये सब पढ़ा रही हूँ, तो मुझे पता है स्टूडेंट्स को किस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आती है, इसलिए मैं वही क्वेश्चंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये माइनस एक्स स्क्वेयर, इस माइनस को हम अंदर ही दे देते हैं ताकि ये बाद में हमें दिक्कत ना करे, प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई, अलग से बाहर नहीं रखना पड़ेगा, इसको मैंने अंदर ही दे दिया है, प्लस माइनस। अब देखिए, इसका स्क्वायर खोलना है, तो सबसे पहले इन चारों टर्म्स का इंडिविजुअल स्क्वायर आ जाएगा, तो एक्स का स्क्वायर का स्क्वायर एक्स फोर, सेकेंड टर्म एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, इसके बाद वन बाय वन सबका आपस में म्यूचुअल मल्टीप्लिकेशन होता है, दो दो का पेयर वाइज, तो पहले एक्स स्क्वेयर को उठाते हैं, उसका इन तीनों से मल्टीप्लिकेशन, फिर एक्स को उठाएंगे उसका इन दोनों से, फिर इसका इससे, ऐसे हम सॉल्व करेंगे। पेयर वाइज मल्टीप्लिकेशन होता है, टू ए बी टू बी सी टू सी ए, यही होती हैं टर्म्स। तो टू ए बी, दैट मीन्स टू एक्स क्यूब, फिर टू ए सी, दैट मीन्स दिस एंड दिस, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन विद टू, तो माइनस फोर एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स वाई का एक्स क्यूब वाई, तो माइनस फोर एक्स क्यूब वाई,
फिर इस एक्स स्क्वेयर का मल्टीप्लिकेशन इससे करेंगे, टू ए ए बी सी डी चार टर्म्स है तो टू ए डी, डेट मीन्स टू एक्स स्क्वेयर वाई माइनस का। इसके बाद इसका पूरा हो गया, अब हम इसको पिक करेंगे एक्स को। एक्स का मल्टीप्लिकेशन पहले इसके साथ करेंगे तो टू बी सी, तो क्या आ जाएगा, टू माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस फोर एक्स स्क्वेयर वाई। फिर इस x का मल्टीप्लीकेशन टू बी डी, इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन x का माइनस वाई से तो माइनस टू एक्स वाई। इसके बाद टू लास्ट में सी ओ डी का मल्टीप्लीकेशन टू सी डी, तो ऑलरेडी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और टू टू फोर, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन एक्स वाई स्क्वेयर, ये आ जाएंगी टर्म्स हमारे पास। आई थिंक मैंने कोई टर्म इसमें लीव नहीं की है। तो देखिए अब इसके बाद ये हो गया स्क्वायर का मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर हो गया है सब टर्म्स का। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो वेरी सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर माइनस फोर एक्स वाई स्क्वायर, फिर यहाँ से माइनस फोर एक्स स्क्वायर एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन एक्स क्यूब वाई हो जाएगा, प्लस का फोर एक्स क्यूब वाई, फिर प्लस फोर एक्स एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन तो फोर एक्स स्क्वेयर वाई। ये सब टर्म्स आ गई हैं हमारे पास। अब देखिए इसमें से कुछ टर्म्स तो शायद कट ही जाएंगी, तो नीचे है टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये एज इट इज़, ये आपकी पी की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करके, कुछ टर्म्स तो यहाँ कट ही जाएंगी। आप देखिए कटती कौन कौन सी टर्म्स हैं, पहले यहाँ से देखिए फोर एक्स स्क्वेयर वाई, ये इससे कैंसिल हो गया, फोर एक्स क्यूब वाई फोर एक्स क्यूब वाई से कैंसिल हो गया, और फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर ये इससे कैंसिल हो गया है हमारा, फोर एक्स वाई स्क्वेयर फोर एक्स वाई स्क्वेयर से कैंसिल हो गया है। अब देखिए कुछ ही टर्म्स बची हैं, इनमें से आई डोंट थिंक कि कोई और टर्म हमारी कैंसिल होगी, तो ये जो टर्म्स बची हैं इनको हम यू का ही उतार लेते हैं। तो देखिए क्या क्या बचा है और क्या क्या ख़त्म हो गया है वो पहले एनालाइज कर लेते हैं, उसके बाद डायरेक्ट नहीं करूँगी मैं, एक एक स्टेप खोल खोल कर ही बताऊँगी आपको। प्लस माइनस रूट ऑफ रूट के अंदर अब क्या क्या बचा है, एक्स फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वेयर वाई माइनस टू एक्स वाई, और सब टर्म्स कैंसिल हो गई हैं, सिर्फ अब हमारे पास ये इक्वेशन बच गई है। अब देखिए क्या ये जो टर्म्स हैं ये भी किसी का परफेक्ट स्क्वेयर बन सकती है, क्योंकि तब तो हमारा क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि रूट तो ऑलरेडी है और स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए ये तो एज इट इज़, अब ध्यान से आपको खुद एनालाइज करना होगा ऐसे क्वेश्चंस में। स्क्वायर है एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये एक्स का स्क्वायर है ये वाई का, मान लीजिए तीन टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर एक्स एंड वाई, तो इन दोनों का एक्स स्क्वायर और एक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया एक्स क्यूब तो टू ए बी, फिर एक्स स्क्वायर और एक्स यहाँ वाई है तो एक्स स्क्वायर और वाई का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, और फिर थर्ड टर्म का साथ भी ऐसा ही होगा, इन दोनों का एक्स फोर एक्स स्क्वेयर वाई इन दोनों का आ गया और फिर एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो देखिए हमारे पास अब क्या बच जाएगा, अगर हम इसको इसका स्क्वेयर लिख पाएँ तो देखिए हम आसानी से इसका स्क्वेयर ये बना सकते हैं। देखिए इसका स्क्वेयर खोलेंगे तो एक्स फोर एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन टू एक्स क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन टू एक्स स्क्वेयर वाई माइनस का, और इन दोनों का माइनस का टू एक्स वाई, डैट मीन्स ये जो टर्म है ये इसका परफेक्ट स्क्वेयर है, और नीचे है टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। तो देखिए सिंप्लीफाई करते हैं इसको जल्दी से, तो पी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, अब ये स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कैंसिल हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई प्लस माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई, ये टर्म बच गई हैं, नीचे टू इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, तो एक बार प्लस का साइन लेंगे एक बार माइनस का, तो पी की हमारे पास एक वैल्यू आ गई। जब आप यहाँ पर प्लस लेंगे तो माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस टू एक्स वाई प्लस वाई प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई, जब हमने यहाँ प्लस लिया है तो ये वैल्यू आ गई, और जब यहाँ माइनस लेंगे तो पहले की फोर टर्म्स तो एज इट इज़ यहाँ तक, फिर माइनस लेंगे तो सबके साइन अंदर चेंज हो गए।
नीचे 2 × x² + x। बस अब आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। कुछ टर्म्स तो इजीली सॉल्व हो जाएंगी और यहाँ पर कुछ टर्म्स कैंसिल नहीं होंगी, तो p की दो वैल्यूज आ गई यहाँ से हमारे पास। तो देखिए, एक वैल्यू आई है यहाँ से p की वैल्यू 2xy / 2 × x² + x। तो ये तो ईजिली कैंसिल हो गया, यहाँ से भी x कॉमन लेंगे तो y / x + 1, बहुत सिंपल सी वैल्यू आ गई। और यहाँ से देखेंगे तो p की दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, यहाँ से देखिए ये माइनस का 2x² माइनस का 2x प्लस का 2xy + 2y 2 × x² + x। तो देखिए यहाँ पर जो है ये इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप। 2 तो सब टर्म्स में से कॉमन आके कैंसिल हो ही जाएगा, तो यहाँ से माइनस का 2 इन दोनों टर्म्स में से कॉमन ले लें, माइनस का 2x तो x प्लस 1 बच जाएगा, और इन दोनों टर्म्स में से 2y कॉमन ले लें तो यहाँ से x प्लस 1 2 × x² + x। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं फटाफट से, तो ये x प्लस 1 एक फैक्टर बन गया और एक यहाँ से माइनस एक फैक्टर बन जाएगा ये -2x + 2y / 2 × x² + x। तो x स्क्वायर प्लस x में से भी हम x कॉमन ले लें तो x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे हम तो माइनस का x प्लस का y डिवाइडेड बाय 2x, तो 2 से भी 2 कैंसिल, तो ये क्या बन गया -x + y / x। सिंपल सी वैल्यू बच गई है p की, एक वैल्यू ये आ गई एक वैल्यू ये आ गई। दोनों के लिए हमें पता है अब क्या करना है, dy/dx p को पुट करना है जैसे हमने बाकी क्वेश्चंस में सॉल्व किया है पिछली वीडियो में। और दूसरी वैल्यू है dy/dx = -x + y / x। अब दोनों को इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो डायरेक्टली आपका सेपरेट वेरिएबल सेपरेट करने से हो जाएगा, वाई को इधर ले आते हैं और एक्स को ऊपर, डी एक्स को ऊपर, सिंपल सा इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग ऑफ वाई, यहाँ पर लॉग ऑफ एक्स प्लस वन प्लस सी, लॉग ऑफ सी सॉरी, जब सब टर्म्स लॉग में लेते हैं तो कॉन्स्टेंट भी लॉग में ही लेते हैं। y = c × x + 1, लेफ्ट में ले आए सब टर्म्स को तो y - c (x + 1) = 0। एक सॉल्यूशन यहाँ से ये आ गया है हमारे पास। दूसरे के लिए देखिए क्या करना होगा, इसमें आप देखिए थोड़ा सा इसमें कॉम्प्लिकेशन सॉल्यूशन में भी आएंगी। ये क्या है आपके पास -1 + y / x, तो जब ये आपकी होमोजेनियस इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें y को vx पुट करना पड़ता है, तो dy/dx की वैल्यू हमारी v + x (dv/dx) आ जाएगी। तो यहाँ पुट कर देते हैं dy/dx की जगह पर v + x (dv/dx) -1, y की जगह vx पुट करेंगे तो x से x कैंसिल, सिर्फ v बच जाएगा, बोथ साइड v कैंसिल, x (dv/dx) = -1। वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं इसके हम, तो हमारे पास क्या बन जाएगा वेरिएबल सेपरेट करने पर, dv यहाँ dx/x उधर चला जाएगा, तो माइनस का dx/x। इंटीग्रेशन करते हैं v = -log(x) - log(c), ये आता है हमारे पास, तो इसको थोड़ा सा log cx लिख लेंगे, माइनस का log cx आ जाएगा ये यहाँ पर। देखिए v की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से -log(c)x, v की वैल्यू वापस रिप्लेस कर देते हैं, y = vx था तो v की वैल्यू हो जाएगी y/x (log(c)x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो y = -x (log(c)x, तो लेफ्ट में ले आएंगे तो y + x (log(c)x) = 0। तो दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया, पहला सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन आ गए जनरल सॉल्यूशन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दें हम, पहला सॉल्यूशन हमारे पास ये आया था, दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास ये आ गया है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन वो आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा इस इक्वेशन का। तो देखिए क्वेश्चन की कैलकुलेशन थोड़ी सी लेंथी रही, बट क्वेश्चन आपका बिल्कुल ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व। स्टेटमेंट है p² + x + y - 2y / xp + xy
प्लस वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बाय एक्स इक्वल टू जीरो। ये देखिए स्टेटमेंट है हमारी। अब सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करना होगा, क्वाड्रेटिक है पी के अंदर, बट ये जो टर्म्स हैं विदाउट पी वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, तो इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। अब सिंप्लीफाई करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए पी स्क्वेयर, अब ये जो पी है इसको हम कैसे ब्रेक करें, y बाय एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि टू टाइम है तो हमने सेपरेट करके लिख लिया बस, और कुछ नहीं किया है। और साथ में ही हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो चार टर्म्स हैं ये इनको हम सेपरेट करते हैं। फर्स्ट के साथ हम इस फोर्थ टर्म को ले लेते हैं, ठीक है, इन दोनों को इकट्ठा रख लेते हैं और इन दोनों को इकट्ठा, सिर्फ टर्म्स को मैनेज करना है आपने, ठीक है। अब देखिए एक्स माइनस वाई बाय एक्स, इन दोनों को इकट्ठा ले लेते हैं, दो फैक्टर बना लेते हैं, एक्स माइनस वाई बाय एक्स को इकट्ठा पी के साथ मल्टीप्लाई, और वाई माइनस वाई बाय एक्स को अलग फैक्टर बना देते हैं पी के साथ मल्टीप्लाई करके। इसको हमने ब्रेक कर दिया, जो ये था वाई बाय एक्स को दो बार लिखा, इसको हमने एक बार इसके साथ ले लिया, एक बार वाई के साथ ले लिया, दो अलग अलग फैक्टर बना दिए। ऐसे ही इन दोनों को इकट्ठा लिया है और इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा हमारे पास वाई, तो यहाँ से बचेगा x माइनस वाई बाय एक्स। अब यहाँ भी x माइनस, आपको देखो यहाँ पर x माइनस वाई बाय एक्स है, तो यहाँ भी यही बनाना है दोनों के अंदर, तो इसके अंदर तो बन गया। इसके अंदर बनाने के लिए हमें यहाँ से इसमें से क्या कॉमन लें कि ये x माइनस वाई बाय एक्स बन जाए, तो हम इसमें से y बाय एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर y बाय एक्स बच गया माइनस का, और यहाँ पर कॉमन लिया है आपने, माइनस वाई था वाई बाय एक्स कॉमन ले लिया, तो प्लस का x बच जाएगा, ये डैट इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब पी स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस वाई बाय एक्स पी प्लस वाई माइनस वाई बाय एक्स पी, ये तो हम एज इट इज लिखते हैं, प्लस इस दोनों में से x माइनस वाई बाय एक्स, ये सेम फैक्टर बन गया कॉमन, और y माइनस वाई बाय एक्स, ये फैक्टर सेम। अब देखिए ये आपको समझ में आ रहा होगा कि अब हमने ऐसा क्यों किया था, तो देखिए अब एक फैक्टर ये आ गया है, एक फैक्टर ये, इन दोनों में से y माइनस वाई बाय एक्स कॉमन आ सकता है, इन दोनों में से p कॉमन आ सकता है, तो इन दोनों में से p कॉमन ले लेते हैं, और इन दोनों में से y माइनस वाई बाय एक्स, तो इसमें से p कॉमन लिया तो p प्लस एक्स माइनस वाई बाय एक्स बच गया, इन दोनों में से y माइनस वाई बाय एक्स कॉमन ले लेते हैं तो p प्लस एक्स माइनस वाई बाय एक्स बच जाएगा। अब देखिए ये सेम फैक्टर दोनों के अंदर है, तो हम इस फैक्टर को कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, फिर से p प्लस एक्स माइनस वाई बाय एक्स, यहाँ से p बच गया, यहाँ से y माइनस वाई बाय एक्स, दो लीनियर फैक्टर बन गए हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस रहेगा आई थिंक आपके लिए ये, लेकिन आप वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखेंगे तो आपको एक बार दो देखने में नहीं आया है तो दोबारा देखिए इसी को बैकवर्ड करके, तो आपको ये प्रोसेस समझ में आ जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो देखिए दो लीनियर फैक्टर्स बन गए हैं, अब बाकी का क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर रहेगा जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चंस किए हैं। दो लीनियर फैक्टर हैं, दोनों को जीरो से इक्वेट करेंगे, तो एक फैक्टर आपका ये है और एक ये है, p प्लस एक्स माइनस वाई बाय एक्स भी ज़ीरो है, यहाँ से p प्लस वाई माइनस वाई बाय एक्स ज़ीरो है, दो फैक्टर आ गए हैं। सबसे पहले इसको करते हैं, ये बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, इनको राइट पे ले गए, p इज इक्वल टू दिस, अब p की वैल्यू dy वाई बाई डी एक्स, क्योंकि वाई दोनों में से कॉमन आ रहा है यहाँ इजीली, तो p की वैल्यू है, यहाँ पर सब्सिट्यूट कर देते हैं p की वैल्यू को dy वाई बाई डी एक्स, देखिए ये वाला पोर्शन राइट वाला हम पहले कर रहे हैं, तो dy वाई बाई डी एक्स, यहाँ से y कॉमन तो माइनस वन प्लस वन बाई एक्स, अब वेरिएबल यहाँ इजीली सेपरेट हो पा रहे हैं तो हम वेरिएबल को सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ इजीली हो रहे हैं वेरिएबल सेपरेट आपके, तो देखिए dy वाई बाई डी एक्स है, y को नीचे ले आते हैं, माइनस वन प्लस वन बाई एक्स ये ऊपर है, dx साथ में ऊपर चला गया, बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, तो log ऑफ y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस log ऑफ x,
प्लस log ऑफ c, log वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं सबको हम लेफ्ट में, तो आपके पास क्या टर्म बच जाएगी log वाली टर्म्स को जब इकट्ठा करेंगे, तो y x y, ये log x प्लस log c है तो नीचे चला जाएगा, log ऑफ y बाय सी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ x बच जाएगा, तो y बाय सी एक्स इसकी वैल्यू log इधर से हटाएंगे तो e रेज टू पावर माइनस x हो जाएगा, और सी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और लेफ्ट में ले जाएंगे, तो y माइनस सी एक्स e की पावर माइनस x इक्वल टू ज़ीरो। एक सॉल्यूशन हमारा ये आ गया यहाँ से। अब दूसरे को सॉल्व करते हैं, लेफ्ट वाले को। लेफ्ट में देखिए हमारे पास क्या आया था, ये लेफ्ट में p इज इक्वल टू फर्स्ट वाला फैक्टर आपका आया था p इज इक्वल टू p प्लस x माइनस y बाय x इक्वल टू ज़ीरो, तो हम राइट पे लेकर गए इनको, तो क्या टर्म बचेगी माइनस x प्लस y बाय x। अब देखिए p को रिप्लेस करते हैं dy बाय dx से, dy बाय dx इनको लेफ्ट में ले आते हैं एक बार, y बाय x क्योंकि ये देखो इनमें कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा, तो ये इसकी तरह से तो सॉल्व हो नहीं सकता, यहाँ तो हमने y कॉमन लिया था, यहाँ नहीं आ सकता है, तो ये हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी हमारी, dy बाई dx माइनस y बाई x इज इक्वल टू, ये राइट पे रहेगा फंक्शन ऑफ x। तो देखिए अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है, dy बाई dx माइनस फंक्शन ऑफ x इंटू y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, तो dy बाय dx ये आपकी बन गई है इक्वेशन, py इज इक्वल टू q, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और इसका सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, यहाँ पर p की वैल्यू क्या है कंपेयर करें तो माइनस वन बाय एक्स, और q की वैल्यू है माइनस एक्स, तो हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं उसी मेथड से करना पड़ेगा, उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e इंटीग्रेशन ऑफ p dx, यहाँ पर p की वैल्यू है माइनस वन बाय एक्स dx, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो e की पावर माइनस log ऑफ x इंटीग्रेशन आ गया, तो माइनस ऊपर ले जाएंगे तो वन बाय एक्स आ जाएगा, ई और लॉ कैंसिल, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका वन बाय एक्स आ गया, तो सॉल्यूशन क्या होता है ऐसे में डिफरेंशियल इक्वेशन का, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू डी एक्स, क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्यू है माइनस एक्स, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वन बाय एक्स डी एक्स प्लस सी, ये हमारा सॉल्यूशन होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वाई बाय एक्स ये कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन माइनस वन का आ जाएगा माइनस का एक्स प्लस सी, इस एक्स को इधर जाके मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स हो जाएगा, तो वाई की वैल्यू यहाँ सब टर्म्स को लेफ्ट में ले जाते हैं, वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक सॉल्यूशन हमने यहाँ फाइंड आउट किया था, एक सॉल्यूशन ये, दोनों का मल्टीप्लीकेशन वही आपका जनरल सॉल्यूशन आएगा, तो जनरल सॉल्यूशन हमारा क्या आ गया, वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस सी एक्स और y माइनस सी एक्स ई की माइनस एक्स दोनों का प्रोडक्ट, ये आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो एक्सरसाइज का अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 ट्राई करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट क्या है, पी क्यूब माइनस, स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, पी क्यूब माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इंटू पी स्क्वेयर प्लस एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई क्यूब पी माइनस एक्स क्यूब वाई क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। देखिए इसमें हमें क्या करना होगा, पी क्यूब में है, अब ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है, तो क्यूबिक इक्वेशन में हम हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई करना होता है रूट्स फाइंड आउट करने के लिए, तो हिट एंड ट्रायल मेथड के लिए हमें पी की वैल्यूज़ यहाँ पुट करके देखनी होंगी, एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, फिर सिंथेसिस डिवीजन से या किसी भी मेथड से आप बाकी के रूट्स फाइंड आउट करते हैं, क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करने का पैटर्न यही होता है, तो हम हिट एंड ट्रायल मेथड में पी की वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर पुट करेंगे, क्योंकि देखिए देखने से थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि पी को जब आप एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो यहाँ पर आप पुट एक्स भी करके देख सकते हैं, एक्स इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, पी इज इक्वल टू मैंने करके देखा है तो पी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसको सेटिस्फाई करेगा, तो जब आप इसकी लेफ्ट साइड पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे एक्स स्क्वायर तो एक्स की पावर सिक्स बन जाएगा, ये एज इट इज रहेंगी टर्म्स, ये पी स्क्वायर है तो एक्स की पावर फोर बन जाएगा, जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ हम एक्स स्क्वायर यहाँ पुट कर देंगे,
इसको सिंप्लीफाई करेंगे जब आप, तो ये देखिए x6 प्लस x5y, सॉरी माइनस, बाहर माइनस है तो सब टर्म्स माइनस की हो जाएंगी, x4y स्क्वेयर, और यहाँ पर प्लस, इसको एक्स स्क्वेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, x5y x4y स्क्वेयर, x3y क्यूब माइनस x3y क्यूब इक्वल टू ज़ीरो। देखिए अब सब टर्म्स यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं, 0 इज इक्वल टू 0, डैट मीन्स p इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। अब जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो इसका मतलब p इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर इस इक्वेशन का एक रूट है। तो p इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, जब इसका एक रूट p इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर आ गया, तो बाकी के रूट्स निकालने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन सबसे ईजी मेथड लगता है मुझे, तो हम उसी से सॉल्व करते हैं। तो हमें क्या करना होता है सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करने के लिए, हमारी स्टेटमेंट जो है वो आप देख लीजिएगा क्या है, उसमें हम चेक करते हैं। देखिए स्टेटमेंट मैं आपको एक बार फिर से दिखा देती हूँ, हमारी स्टेटमेंट ये थी। तो यहाँ से एक्स स्क्वेयर इसका एक फैक्टर है, तो हमें इसके कोफिशियंट्स को एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करना होता है, ये हमारी स्टेटमेंट है। तो हमें एक्स स्क्वेयर से इसको डिवाइड करना होगा, तो सिंथेटिक डिवीजन में हम ऐसा ही करते हैं। तो यहाँ पर इसके कोफिशियंट्स लिख लेते हैं, फर्स्ट कोफिशियंट है 1, पी स्क्वेयर का कोफिशियंट है माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर, फिर ये नेक्स्ट जो टर्म है इसका कोफिशियंट है एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस एक्स वाई क्यूब, और लास्ट में कोफिशियंट है एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो यहाँ सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वेयर यहाँ 1 एज इट इज़, एक्स स्क्वेयर सॉरी यहाँ पर एक्स स्क्वेयर इंटू 1 एक्स स्क्वेयर, माइनस का एक्स स्क्वेयर और प्लस का एक्स स्क्वेयर कैंसिल हो गए, ऊपर से माइनस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वेयर बच जाएगा। अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो माइनस एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर, तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई, सिर्फ एक्स वाई क्यूब बचेगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स क्यूब वाई क्यूब कैंसिल हो गई, यहाँ पर 0 बच गया। तो इसका मतलब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बचेगी, उसके कोफिशियंट्स ये होते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बचेगी, एक्स स्क्वेयर ये दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर इंटू में सॉरी पी में क्वाड्रेटिक है तो पी स्क्वेयर इंटू पी, थर्ड कोफिशियंट आ जाएगा एक्स वाई क्यूब इक्वल टू 0। तो देखिए एक आपके फैक्टर था एक्स स्क्वेयर, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, दैट मीन्स आपकी क्यूबिक इक्वेशन जो स्टेटमेंट है वो किसके इक्वल आ गई, पी माइनस एक्स स्क्वेयर, एक फैक्टर ये बन गया और दूसरा फैक्टर आपका ये बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं आप, अभी मैं करके ही भी बता देती हूँ आपको। इसको आप अलग अलग मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स वाई पी एंड माइनस का वाई स्क्वेयर पी, पी को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, एक्स वाई क्यूब इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर्स आप लीनियर फैक्टर्स इसके भी बना सकते हैं, पी माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, पी स्क्वेयर माइनस एक्स वाई पी, इन दोनों में से पी कॉमन ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, यहाँ पी माइनस एक्स वाई, और इन दोनों में से आप वाई स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए, माइनस का वाई स्क्वेयर, तो पी माइनस एक्स वाई बच जाएगा। तो लीनियर फैक्टर हमारे क्या बन गए, पी माइनस एक्स स्क्वेयर, पी माइनस एक्स वाई, पी माइनस वाई स्क्वेयर, ये तीन फैक्टर्स बन गए हैं हमारे पास पी के अंदर। तो 1 बाय 1 तीनों को इक्वेट करेंगे अब हम 0 से, तो पी माइनस देखिए अब पी माइनस एक्स स्क्वेयर को 0 से इक्वेट करेंगे, पी माइनस एक्स वाई को और पी माइनस वाई स्क्वेयर को, तो पी माइनस एक्स स्क्वेयर दैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे तो वाई की वैल्यू एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी 1, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3c1, 3c1 को हम कॉन्स्टेंट नया नाम दे देंगे c, इसीलिए हमने यहाँ c1 यूज़ किया था, तो इक्वेशन आ गई 3y माइनस एक्स क्यूब, इसको हम नया नाम दे देंगे c, क्योंकि कांस्टेंट है तो आप कुछ भी कांस्टेंट पुट कर सकते हैं। इसमें से थोड़ा सा अनबैलेंस लगती है क्योंकि y की टर्म पहले, माइनस कॉमन ले लेते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि राइट पे 0 है तो सब कुछ बैलेंस हो जाता है। आप चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई गलती नहीं होती, एग्जामिनर कोई भी गलती नहीं मानी जाती है। सेकेंड को सॉल्व करते हैं, पी माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर पी इज इक्वल टू एक्स वाई हो जाएगा, पी इज इक्वल टू एक्स वाई डैट मीन्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई
वाई को इधर ले जाएं, एक्स को इधर ले आएं, वेरिएबल सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, तो लॉग ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी टू ले लेते हैं। तो y जब लॉग हटाएंगे तो इधर इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल में आ जाएंगी सब टर्म्स, तो e की पावर एक्स स्क्वायर बाय टू इंटू सी टू। तो एक्सपोनेंशियल में सॉरी प्लस सी टू, एक्सपोनेंशियल इस पूरी टर्म का आ गया हमारे पास ये। तो आप चाहें तो इसको किसी और वे से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, e की पावर c2 है तो इसका आप e की पावर देखिए y e की पावर x स्क्वायर बाय टू इंटू e की पावर c2, ये इस फॉर्म में आ गया। अब है तो ये कांस्टेंट, तो इसको हम अलग से नया नाम c भी दे सकते हैं, है तो कांस्टेंट, तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन हो जाएगा फिर हमारा ये ठीक है। दूसरा सॉल्यूशन ये आ गया। तीसरा सॉल्यूशन और फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से, p माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, पी को पुट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। ये तो फर्स्ट सॉल्यूशन जैसा ही है बिल्कुल, बस यहाँ वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा इक्वल टू डी एक्स, बोथ साइड इंटीग्रेट करेंगे, वन बाय वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा माइनस वन बाय वाई एक्स प्लस सी, माइनस वन इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस सी वाई, इंटीग्रेट कर दिया सब टर्म्स को एक साइड पे रख लिया, एक्स वाई प्लस सी वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये आपका सॉल्यूशन, तीनों सॉल्यूशन आ गए, तीनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपका जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, डेट विल बी द आंसर। तो इसको भी लेफ्ट में ले आइए, वाई माइनस सी एक्स ई की पावर एक्स स्क्वायर बाय टू इक्वल टू जीरो। तो देखिए तीन सॉल्यूशन आ गए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 2.1 के डिस्कस कर लिए हैं, तो अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरीज, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें एंड चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच।